नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। महूश पुनिया आपके साथ। चलिए जल्द से नजर आते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चल रहा ये विवाद अब सुलझाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। रूस से जंग के बीच जर्मनी में शीर्ष सैन्य अफसरों से मिले जेलेंस्की, मांगे हथियार। श्रीलंका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव क्यों है बेहद अहम, समझिए पूरा सियासी क्रम। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला, भ्रष्टाचार रोधी कानून में बदलाव को दी मंजूरी, शरीफ सरकार को मिली राहत। केन्या में स्कूल के छात्रावास में लगी भीषण आग, 17 छात्रों की मौत, 13 छूटे। अमेरिका फायरिंग, स्कूल में गोलीबारी करने वाले छात्र का पिता गिरफ्तार, हत्या का मामला दर्ज। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल, टिकट को लेकर सामने आया बराबर। पुरानी सरकार की गलतियों के कई परिणाम हैं, आंध्र प्रदेश में आए बाढ़ पर बोले शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले विनेश फोगाट ने दिया रेलवे से इस्तीफा। तो तौकीर रजा पैदा ही नहीं होते, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मौलाना पर बड़ा हमला। अमानतुल्ला खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत, 9 सितंबर तक ईडी की रिमांड पर। 12,420 पुलिसकर्मी तैनात, ट्रैफिक से सुरक्षा तक खास इंतजाम। वहारे यूपी पुलिस 8 साल पहले मरे व्यक्ति के खिलाफ फाइल कर दी चार्जशीट, दरोगा अब मुश्किल। अश्विनी चौबे का फिर छलका दर, कहा अपार कष्ट में हूं, समय बलवान होता है, सीएम नीतीश को लिखा पत्र। तमिलों पर टिप्पणी, माफी के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने करंदा जे के खिलाफ FIR दर्ज। कर्नाटक, PSK नेतृत्व वाली समिति डी कुन्हा रिपोर्ट का अध्ययन करेगी, कार्यवाही का सुझाव देगी। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए उधार लेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट, OCI कार्ड धारक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुच्छेद 371J का लाभ नहीं उठा सकते। कर्नाटक भाजपा अल्पसंख्यक समूहों से 5 लाख सदस्य बनाए। पंचायत का तमिल रीमेक, इस फिल्म होगा रिलीज, जाने कौन बनेंगे नए सचिव जी ऑली। भगवान गणेश बन मशहूर हुए ये चाइल्ड आर्टिस्ट, विघ्नहर्ता के रूप में दर्शकों का जीता दिल। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज में टीम इंडिया का स्क्वाड ऐसा हो सकता है किसकी खुलेगी किस्मत। अफगानिस्तान ने एक टेस्ट मैच के लिए घोषित की टीम, 9 सितंबर से भारत में खेला जाएगा मुकाबला। अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव जीती तो सीनियर सिटीजन को कितनी पेंशन मिलेगी, अमित शाह ने बताया। हफ्ते के आखिरी दिन क्रैश हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 1017 और निफ्टी में 292 अंकों की भारी गिरावट। एपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़ 24/7।